अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम एक पेज के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, शहर शहर एहतजाज और हड़तालें हैं। कहीं आरोज ऑफिस का पिछले 10 दिनों से घिराव किया हुआ है, मगर कोई भी मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर मिल बैठकर बात करने को तैयार नहीं, बल्कि एक सियासी जमात अपना मैंडेट वापस लेने तक एहतजाज की धमकी दे रही है। इसके लिए चाहे 9 मई जैसा वाकया दोबारा क्यों ना हो जाए, जहाँ हर जानब अनरेस्ट है, तो आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठट्टा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि विफाक में आग लगी है। विफाक और जमहूरियत को बचाने के लिए वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं और वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। सदर की जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बचाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है। आम इंतखाबात के नतीज के बाद सियासी बैठकें और मेल मुलाकातें भी उरूज पर हैं। किसको वजारतें मिलेंगी और किसे वजारतें उज़्मा, कौन आईनी ओहदे संभालेगा और कौन काबीना का हिस्सा बनेगा, लेन देन और मुख मुकाओ के फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। जराए के मुताबिक नून लीग के चेयरमैन सेनेट का ओहदा उन्होंने रखने के लिए हामी भर ली है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मांगा है। सदारत का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गया और वजारत उज़्मा नून लीग के खाते में आई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर मिलने के साथ बलूचिस्तान भी मिलेगा। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा तकसीम कर रही है, तो दूसरी जानब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रही है कि मरकज में उनकी 180 सीट्स बनती हैं और वो जल्द ही सूबों और विफाक में अपनी हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, धांधली पर एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं कर रही, बल्कि मुल्क की मुतादद सियासी जमातें सड़कों पर हैं। ऐसी ऐसी कागजी जमातें भी इलेक्शन में धांधली का शोर मचा रही हैं कि 2008 से लेकर 2024 तक मुल्की सियासत में उनके पास कुछ खास मैंडेट नहीं रहा, मगर अब वो बड़ी स्वीट पावर बनकर सामने आ चुकी हैं। मुल्की अदम इस्तेहकाम कि जिससे मुतालिक उम्मीद की जा रही थी कि आम इंतखाबात के बाद इसमें बेहतरी आएगी और जमहूरियत का पहिया मजबूती से आगे बढ़ेगा, मगर अब धरनों और एहतजाज के बायस मुल्क में सियासी इंतशार दिखाई दे रहा है। सरकारी अफसरान और कुछ सियासतदान जमीर की आवाज़ पर इलेक्शन में धांधली और किसी खास जमात को सीट्स तोहफे में दिए जाने की गवाहियाँ देकर इलेक्शन को मुतनाज़े बनाते हुए सियासत को मजीद शिकस्त रेख का शिकार कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर सियासतदान शाहिद काकान अब्बासी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कौम अपने इलेक्शन ना करवा सके वो आगे कैसे चलेगी। एक ऐसा मुल्क जिसकी मईशत नाज़रीन दिवालिया होने के करीब हो, जहाँ 3 अतराफ से सरहद को महफूज बनाने के लिए बाड़ लगाई गई हो, शरपसंद तंजीमें मजमूम मकासद की कामयाबी के लिए तैयार बैठी हों, 1.5 साल के अरसे से निगरान सेटअप काम कर रहा हो और आवाम के नुमाइंदे सड़कों पर हों, तो सवाल तो पैदा होता है कि ये निज़ाम किस तरह चलेगा। और जिस तरह इंतखाबी नतायज को धांधली ज़दा करार देकर एहतजाज हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर हुकूमत बन भी जाती है तो वो कितना अरसा चल पाएगी। सवाल ये भी है कि मुल्क को मसाइल से निकालने और सियासी क़यादत को एक पेज पर लाने के लिए किसको आगे बढ़ना होगा और क्या किरदार अदा करना होगा। आगाज़ करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। सर, मैडम बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शर्मिला साहबा, आप समझती हैं कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीच की है या ठट्टा में जलसा आम से खिताब किया, हल्का पुल्का उन्होंने अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना भी बनाया, उनके मुखालिफिन में हम जानते हैं कि नून लीग भी इस वक्त लिस्ट में शामिल है, एक तरफ आप लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वजारतें होंगी, कितनी होंगी, नहीं होंगी, उस पर बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी जानब आप लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं और नून लीग पर तनकीद के नश्तर भी बरसा रहे हैं। जी शुक्रिया फरवा। देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क के मजमूई हालात हैं आपके सामने हैं कि कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तह अपना वजीर आज़म ला सके। एक मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है और इसी चीज़ का अंदिया सदर जरदारी साहब ने इलेक्शन से पहले भी किया था कि जो उनको नज़र आ रहा था, और सदर जरदारी साहब की सियासी बसीरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने यही कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी जमात जो है
वो दो तिहाई अक्सरियत नहीं ला सकेगी और तमाम जमातें पार्लियामान में होंगी और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि तमाम जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM, ये तमाम जमातें, PMLN, ये मिलकर हुकूमत बनाएं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है फरवा, वी आर वेरी वेरी क्लियर, CEC की दो नशिस्तों के बाद जो फैसला हुआ है वो यही है कि PMLN को हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी मदद देगी लेकिन उनके साथ काबीना में शराकत दारी नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो फैसला हुआ है ये मुल्क की वसीतर मफाद के अंदर हुआ है, क्योंकि देखिए अगर पीपल्स पार्टी PMLN की मदद नहीं करती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन पाएंगे, और ऐसे हालात के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, पार्लियामान नहीं चल सकेगी, मुल्क में वजीर आजम नहीं होगा, काबीना नहीं होगी, अवाम पिस्ती रहेगी, अवाम जो बेचारी बाहर निकली 8 फरवरी को, और आप ये देखें कि द टर्नआउट वाज वेरी गुड, 47.3% टर्नआउट था। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, जबकि लोगों ये तासुर आ रहा था कि जी ऑलरेडी मैच फिक्स्ड है और सीटें किसी को, एक जमात को फेवर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने सिस्टम में एतमाद दिखाया और अवाम बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया। ठीक है, 47% अगर एतमाद दिखाया है लास्ट दो इलेक्शंस का, अगर हम कंपैरिजन करें 2018 और उससे पहले 2013, तो उसका जो एवरेज बनता है वो 52% है, उस लिहाज से तो एवरेज गिरी है। लेकिन आपने भी जिक्र किया कि आप लोग वजारते नहीं लेंगे, तो नून लीग के कुछ लोग ये इशारतन बातें कर रहे हैं कि आप लोगों में सारा मामला तय हो गया है। इवन राजा रियाज साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया था निजी चैनल पर, उन्होंने कहा कि जी ये इनके बातचीत हो चुकी है सारी, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए जी, इनकी ख्वाहिश तो बिल्कुल है कि हम काबीना में भी शराकत दारी करें, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये फैसला इस वक्त तक हतमी है कि हम काबीना में शराकत दारी नहीं करेंगे। 4 राउंड्स इनके साथ मुज़ाकरात के हो चुके हैं जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कल एक और राउंड है और उसके बाद जो है जो फाइनल जो भी मुज़ाकरात होंगे वो लीडरशिप के सामने रखा जाएगा और फिर उसके बाद वो हतमी फैसला करेंगे कि आगे किस जानिब जाना है। देखिए, अभी आपने वोटर टर्नआउट की बात की, मैं समझती हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म कौन है और कौन सी जमात बनाएगी, उसके बावजूद लोग निकले और जो नए वोटर्स थे वो बिलखसूस निकले। ख़वातीन का वोट बहुत ज़्यादा था, औरतें बहुत बाहर निकलीं वोट देने के लिए, और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 18% इजाफा हुआ है। और मैं समझती हूँ ये वही, इसकी वजह बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पोलिटिकल कैम्पेन है और वो नई सोच जिसका वो बार बार अंदिया देते थे कि मुल्क के अंदर एग्रेशन की, नफ़रत की सियासत को ख़त्म कर दें। एंड आई थिंक के गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए सियासी इस्तेहकाम लेकर आएं। लेकिन शर्मिला साहब, बड़ी अच्छी बात है, मौशी बहाली होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंस्टेबिलिटी है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड्स रखी हुई हैं, आईनी अहदे मांगे जा रहे हैं मगर काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, अब आपने ये बात कही है, अब ये बात कल किस तरह सामने आती है कि आप लोग मांग नहीं रहे। देखिए फरवा, हम आईनी अहदे मांग नहीं रहे, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम अपना कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए पिच करें। इस तरह तो MQM भी 17 सीटों के ऊपर वजीर आज़म मांग रही है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पीपल्स पार्टी इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले सके, चाहे वो स्पीकरशिप हो चाहे वो प्रेसिडेंटशिप हो। You're sounding like that you MQM People's Party is making space for MQM. नहीं जी, स्पेस किसी को भी दें, अब ये PMLN की मर्जी। ऑफ कोर्स MQM विल आस्क फॉर कैबिनेट पोजीशंस, ये उनकी सियासत का एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि जाहिरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो उनको नहीं मिल सकता, तो वो वफाकी काबीना में शराकत दारी तो लेंगे, और पिछले 20-22 साल से वो हर हुकूमत के वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं, ये उनकी सियासत है। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी, अगर सदर जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं फॉर प्रेसिडेंटशिप,
कौन सी जमात है जो उनको वोट नहीं देगी? आई एम श्योर PMLN भी देगी। लेकिन ये कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि आपने 2-3 वजारतें मांगी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इसकी तर्दीद कर दें, तस्दीक कर दें कि नहीं क्या जी, मांगी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जी ऐसी कोई बात। और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को इस आने वाली गवर्नमेंट में देखेंगे? देखिए जी, अभी तक जो फैसला किया गया है वो यही है कि किसी किस्म की भी कोई काबीना में शराकत दारी नहीं होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल एक राउंड है मुज़ाकरात का, और ऑफ़ कोर्स PMLN की तो ये ख्वाहिश है और वो चाह भी यही रहे कि हम उनके साथ काबीना में हिस्सा बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश नहीं है। कल जो फाइनल राउंड होगा उसमें क्या फाइनल मुज़ाकरात होते हैं वो तमाम चीज़ें लीडरशिप के सामने रखी जाएंगी और फिर हतमी फैसला वहाँ से आएगा। सही, आपके जो पहले राउंड्स हो चुके हैं, जो मीटिंग हो चुकी है, जो बातचीत आप लोगों ने कर ली है नून लीग के साथ, ये जो गवर्नमेंट का सेटअप बनने जा रहा है ये किस फॉर्मूले के तहत बनने जा रहा है? क्या ये 2-2.5 साल के सेटअप पे काम करेगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी आप उसको सपोर्ट करेंगे उस वज़ीर आज़म को और वो 5 साल के लिए चलेगा? देखिए जी, ये जो फॉर्मूला 2-3 साल का है इसको तो हमने बिल्कुल रद्द कर दिया है। दिस इज़ नॉट वर्केबल। जो भी वज़ीर आज़म आएगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो भी वज़ीर आज़म बनता है, जो भी अहम फैसले वो लेते हैं, हम उसको केस टू केस रिव्यू करेंगे कि आया ये पाकिस्तान के मुफाद में है, पाकिस्तान के लोगों के मुफाद में है। अगर हैं तो वी विल सपोर्ट, अगर नहीं है तो वी विल नॉट सपोर्ट देम। बट अगेन दिस विल बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, लेकिन नून लीग तो अपना वज़ीर आज़म जो कैंडिडेट है वो नामजद कर चुकी है, इट्स शहबाज शरीफ साहब। वो जिसको भी करे वो उनकी मर्जी है, वो जिसको भी नामजद करेंगे ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी विल सपोर्ट दैट डिसीजन। एक तासुर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा ना करे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ था और कुछ बेसाखियां निकली थी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो गिर गई थी। क्या आप लोग वो किरदार तो नहीं अदा करेंगे फ्यूचर में जाके? फरवा देखें, पीपल्स पार्टी के बग़ैर नून लीग वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती और इलेक्ट नहीं कर सकती ये, और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक है नेशनल असेंबली में मेंबर्स का। सो किसी भी वक्त अगर कोई ऐसे हालात या मामलात होते हैं, और माजी में हमारी कुछ शिकायात और तहफ़ुज़ात रहे हैं काबीना में रह के भी, और CC में इन चीज़ों को उठाया गया था, शिकायात हुई थी, रिजर्वेशंस दिखाए थे मेंबर्स ने, और यही वजह है कि हमने ये फैसला किया कि हम काबीना में शराकत दारी नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी हुआ पिछले 16 महीने में PDM की गवर्नमेंट में, जो कि हमारे पास 10 वजारतें थी, उन्होंने जो भी किया सही गलत किया उसका मलबा हमें भी उठाना पड़ा, उसकी जवाब दे हमें भी होना पड़ा। हालांकि हमारे पास नहीं उठाना पड़ा जितना नून लीग को उठाना पड़ा, उनके फ्रंट सीट पे बैठे वो जो ड्राइवर है, लेकिन जवाब हमें भी देना पड़ा। देखिए उनको तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल उठाना पड़ेगा, बिकॉज बराए रास्त वजारत खजाना वो चला रहे थे, पानी और बिजली की वजारत उनके पास ही, वजीर आजम उनका था, पॉलिसी डिसीजन वहां से आती थी। बट बींग पार्ट ऑफ द कैबिनेट यू सिंक और स्विम टुगेदर। तो यही हुआ ना कि हम जब कहते थे कि जी हमसे हमारी 10 वजारतों की जवाब ले लें, तो यही सामने से जवाब आता था नहीं जी, और नून लीग भी ये कहती थी कि नहीं जी ये तो सारे फैसले जो हैं पीपल्स पार्टी काबीना में साथ बैठी थी तो इनकी भी जिम्मेदारी थी, तो हम पे भी वो सारा बोझ डालते थे। तो इस दफ़ा यही हुआ है कि हमने फैसला किया कि वी विल नॉट सिट विद देम इन द कैबिनेट, लेट देम रन द गवर्नमेंट, उनको चलाने दें हुकूमत जिस तरह वो चलाते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे, हम उनकी रहनुमाई भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे जहां पर उनको जरूरत है, जहां पर हम समझते हैं कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि नून लीग की गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बन नहीं सकती। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस जलसे से खिताब किया वहां पर उन्होंने ये कहा कि PTI ने अगर गवर्नमेंट बनानी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती है, बन सकती है। तो आप लोग क्या दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं? एब्सोल्युटली। आप पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ यहां से बातें करती है और वहां जलसे में आप PTI को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो वो हमारे साथ बनेगी? देखें फरवा, पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम जमातों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। हमने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है वो हर जमात से बात करने को तैयार है, मुल्की मफाद के अंदर। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, गुर्बत से और महंगाई से। PTI भी 92 मेंबरान के ऊपर अपना वजीर आजम नहीं ला सकती, उनको भी पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है अगर वो वजीर आजम बनाना चाहते हैं तो।
सो पीपल्स पार्टी का इंतहाई अहम जवाब चाहिए होगा। बलूचिस्तान में आप लोग गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, वजीर आला जो है वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का आएगा, ये कौन आएगा, जाहरी साहब आएंगे या फिर बुक्टी साहब आएंगे? जी इंशाल्लाह, देखिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी और वजीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। हमारे इस वक्त तक 11 मेंबरान हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है, अभी तक कोई एक शख्स नामजद नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है वो तो जाहिर है कि सामने आ चुका है, लेकिन कल एक होने वाली बैठक के बाद ये क्लियर होगा कि मामला कहां तक तय पाए। हमें इस वक्त कानूनदान एतजाज एहसन साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एतजाज साहब, ये जो मामला सामने आया है, पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे तो मुल्क में सहेगी, अब इलेक्शन हुए हैं तो वो इंस्टेबिलिटी मजीद क्योस में चेंज हो चुकी है और फिर हमने कल देखा कि कमिश्नर पिंडी जिस तरीके से सामने आते हैं, मंजर आम पर आते हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? ये मामला अगर तो लियाकत चट्ठा के बयान से शुरू हुआ और उधड़ने शुरू हो गए जो और आक है, तो फिर तो वो बहुत फैल जाएगा। और ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है ये तो इस पर बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि इन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए। लियाकत चट्ठा के साथ किसी ने अगर 6 महीने पहले भी हाथ मिलाया था तो उसके घर पे भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं, एक पूरा ये सारी चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। और रिवर्स करते हुए ये चाहते हैं अब कि एक दहशत फैल जाए रनिंग ऑफिसर्स में भी और अफसरान में कि ये वैनी तौर पे वो समझें कि हमने अगर कोई बयान दिया, कोई हमने मौकफ़ दिया, कोई वाक़या बयान किया पोलिंग स्टेशन पे किसी पे हुआ हुआ जो, तो हमें भी हमारे साथ भी यही ना हो। लेकिन आपने निगरान सेटअप का जिक्र किया है, निगरान वजीर तो ये कह रहे हैं कि उन शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो मेडिकेशंस पे थे। क्या कर रहे थे, सॉरी निगरान? हमारे जो पंजाब के निगरान वजीर हैं उन्होंने ये टीवी पर ऑन रेकॉर्ड आकर कहा है कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, वो ये मैं आपको बताऊँ, ये 1990 का वाकया है। बीबी शहीद को वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दी गई थी और हमारी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी और उनको तलब किया था हाई कोर्ट ने, राशिद अजीज जज थे, उन्होंने तलब किया था। अब वो वहाँ क्राउड बहुत आ गया, पीपल्स पार्टी के जाले इतने आए कि हद नहीं, वहाँ ज़रा एक उसी दौरान मैं वकील था बीबी का, मैं जा रहा था कुछ वकला के साथ तो एक बंदे ने जिसको मैं जानता ही नहीं था वो चलते हुए कि उसने मेरी टाई से मुझे पकड़ा और झटका दिया, तो मैं बेध्याना था, मैं ज़मीन पर गिर गया, उसने पिस्तौल भी निकाल लिया और उसने पॉइंट करना था कि मेरे साथी जो वकला उस वक्त साथ चल रहे थे, ये सज्जाद भट्टी साहब एक वकील हैं, एक सीएम सरवर साहब, शौकत जावेद साहब, इन्होंने उसको पकड़ के ओवर पावर करके उससे पिस्तौल खींच लिया और सीधा अदालत ही ले गए, राशिद अजीज़ खान, जस्टिस राशिद अजीज़ खान को बड़ा तैश आया, उन्होंने कहा बुलाओ जो एसपी इस वक्त इंचार्ज है इसका, डीआईजी को भी बुलाओ, आईजी को भी बुलाओ। वो तीनों अफसर आ गए 15 मिनट में, हम वहाँ कमरा अदालत में इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में वो एसपी आया। जब तो एसपी को कहा जज साहब ने कि ये बंदा जो है ये इसने हमला किया है, इस मुल्ज़िम को पकड़ के इसको सजा दे लो, एसपी कहते हैं ये तो पागल है जी, उस चीफ जस्टिस भी है, हम साके पक्के रह गए कि इसको कितना पता लगा है पागल है, और फिर पागल इधर फिर रहा है पिस्तौल लेके हाई कोर्ट में। ये तो इनका तरीका ही है, ये बचने की इनकी सूरत ही है। ठीक है, चले, ये तो एहतसास साहब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुना दिया, लेकिन अब हमने ये देखा कि रात गए
इस मामले को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए या यूं कह लें कि उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आरओज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वो जितने भी इल्ज़ाम थे कमिश्नर पिंडी के उसको रद्द कर दिया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कराई गई है कि क्या मामला हुआ? ये तो देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन रात को 10 बजे उन्होंने इजलास बुला लिया और बैठे रहे। अब उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इतना ज़्यादा वो जानिबदार है कि उसने 90 दिन का पास नहीं रखा कि खैबर और पंजाब की इलेक्शन 90 दिन में करानी होती है, और उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फ़र्ज है। अंडर द लॉ इट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ड्यूटी और इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नामे इन्होंने इग्नोर किए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 मई को इलेक्शन कराओ पंजाब और खैबर की पिछले साल। वो अब अगर वो इलेक्शन इन टाइम हो गया होते, आइन शिकनी ना हुई होती, तो इस वक्त दो हुकूमतें होती जो अपना मैंडेट लेके बैठी होती हैं और करती लोगों की खिदमत। और सब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट को आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, हमने इस पे जाहिर है कि प्रोग्राम्स में भी आपसे रहनुमाई ली हुई है, लेकिन वो असम्बली तोड़ने का तरीकाकार एक शख्स के कहने पर असम्बली तोड़ना और जो जलसों में आकर कह रहा है वो भी तरीकेकार शकूक और शबात पैदा कर रहा था, वो भी ठीक नहीं था कि आप आए और असेंबली तोड़ दें, कि नई रिवायत डल रही थी। मेरा सवाल ले लें एतजाज साहब, सवाल ये है कि कमिश्नर ने जो मीडिया के सामने बयान पेश किया था उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर भी बराह रास्त तनकीद की थी, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बाद में आकर कहा कि वो सुमोटो नहीं लेंगे और नहीं लिया उन्होंने सुमोटो। लेकिन आप समझते हैं कि कल एक बड़ी अहम समात है इलेक्शन से मुतालिक, और इसमें चीफ जस्टिस साहब पे चुके इल्जाम लगे हैं, उनको बेंच का ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, और वो नहीं बैठेंगे। आई एम श्योर कि वो नहीं बैठेंगे। ये ट्राई किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, चीफ जस्टिस, अपने बेटे का केस अपने सामने लगा लिया और कुरान बीच में रख लिया था कि ये कुरान जमानत है कि मैं जो करूँगा नेक नीयती से करूँ। पर वकला ने उस पर बड़ा एहतजाज किया और उसको उनको किसी और बेंच को भेजने मजबूर हो गया चीफ जस्टिस, हालांकि उन्होंने बेंच अपनी मर्जी का बनाया। बेंच वो दोनों जज जो थे वो उनकी मर्जी गई थे, और उन्होंने क्या किया, कोई फाइंडिंग आज तक नहीं थी। अच्छा साहब, जो इलेक्शन हुए हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, रिग्ड इलेक्शन थे, आपने जाहिर है कि गए भी जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, NA 127 की बात कर रही हूँ, लाहौर काल का है, क्या आपको लग रहा था कि वाकई ये रिग्ड इलेक्शन है या जो नतज उस वक्त थे एक्सपेक्टेड थे ये सारा कुछ? नहीं, रिग्ड तो इलेक्शन उस दिन से हो गया जिस दिन से आइन शिकनियाँ शुरू हुई। मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ क्या आइन शिकनी हुई, पर फिर अगर किसी को शक व शुबा था तो जिस तरह इन्होंने जो एक पार्टी के खसूसन एक पार्टी के बंदे और लीडर उठाने शुरू किए जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, या वो उम्मीदवार हो चुके थे, उनको उठाना शुरू किया। 20 दिन के बाद वो बरामद हुए तो वो किसी एंकर के घर में बैठ के और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को भी मुस्तरद करता हूँ, लीडर को भी मुस्तरद करता हूँ, बड़ा बदमाश ही लोग हैं ये, और मैं सियासत ही कोई कहता है सियासत ही छोड़ता हूँ। उस वक्त से ही पता लग गया था कि ये इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन है। अगर रिग्ड है तो फिर जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 92 सीट्स ली हैं। नहीं नहीं, उनका मैंने एक दो के पास उनके देखे हैं फॉर्म 45। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का समझिए 3,000 वोट 4,000 वोट के का फॉर्म है कि कितने कैंडिडेट्स को कितने कितने मिले हैं। वो फॉर्म सारा पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों के साथ और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके दस्तखतों के साथ वो चला जाता है फॉर्म आरओ के सामने। एक एक कैंडिडेट्स को भी दिया जाता है। अब जब वो चला जाता है आरओ के पास तो आरओ ने उन सब फॉर्म 45 को जमा करके उनमें वोट जितने हैं फॉर्म 47 बना देता है, और फॉर्म 47 में उतने कुल वोट होने चाहिए जितने कुल वोट
फॉर्म 45 में एक हलके के हैं। अब वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 250-300 फॉर्म 45 अपने हलके के अपनी बगल में लिए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये मेरे वोट इतने हैं और ये फॉर्म है और ये नवाज शरीफ, ये हारा हुआ है नवाज शरीफ दोनों। लेकिन एहतजाज साहब आप वकील हैं, इसके लिए बगाला ट्रिब्यूनल मौजूद होता है, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटकाना चाहिए बजाय कि इसके आप मीडिया सोशल मीडिया पर आकर बात करें। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ जो हैं इस इलेक्शन में सरापा एहतजाज हैं एहतजाज साहब, और अक्सर तो ये कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन कदम करार दे दिया जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। अब जो कल एक बड़ी अहम समात लगने वाली है जिसमें आपने कहा है कि काजी फैजल साहब शायद नहीं बैठेंगे, आप समझते हैं कि ये जो समात अहम है इसमें कोई फैसला हो जाएगा और क्या आपको कोई चांसेस नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कालादम हो सकते हैं? भाई कोई इलेक्शन कालादम करके नई इलेक्शन में जाना ये तो कोई मुफीद बात नहीं है। उसका हल क्या है? बड़ा सिंपल है, इसका हल ये है कि आप फॉर्म 45 जो है जो कैंडिडेट के पास है उसको उसी कमरे में मिला है, सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं, वो उन फॉर्म 45 को पहले तो दावत दें आप कैंडिडेट्स को, इलेक्शन कमीशन दे कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए। वो फॉर्म 45 की तरफ तो इलेक्शन कमीशन जाता ही नहीं, वो जानबदार है। वो राजा सलमान अकरम राजा हमारा एक प्रोमिनेंट वकील है, वो अपनी बगल में 300 के कितने वो लिए फिर रहे, वो कहते हैं बाकी जो फॉर्म बाकी जो फॉर्म हैं इसके बकाया वो अगर उनमें टोटल वोट कुल वोट भी इसको डाल दो उसके मुखालिफ ओन चौधरी को, ओन चौधरी को जानता बा कौन है लाहौर में, ओन चौधरी को डाल दो तो इसके वो मेरे जितने नहीं बनते। 98,000 की लीड थी उसकी और ओन चौधरी को पता नहीं कितने 70-80 यही जो कमिश्नर पिंडी कहता है जैसे 70-80,000 वोट डाल के उसके 101,00,000 और पता नहीं कितने कर दिए ओन चौधरी, जिसको मैं भी लॉरी हूँ जानता ही नहीं था। अब ये वोट इस तरह पड़ रहे हैं तो ये सलमान राजा का केस टेस्ट। तो ये मैं अलजा साहब आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं इसी से मुतालिक सवाल करती हूँ। आपने एक पार्टी, एक मखसूस पार्टी का जिक्र किया है, उस पार्टी के पास नंबर्स भी हैं, ज़ाहिर है कि जब वो पार्टी इलेक्शन में गई थी उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, अब नंबर्स हैं। आप समझते हैं कि वो हुकूमत बनाने की पोजिशन तो रखते हैं, बना पाएंगे, बना सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलेगा? देखो मैं इंसाफ क्या, इंसाफ पीटीआई नहीं बट जस्टिस, देयर हैज टू बी जस्टिस। ये लोग पागल हो जाएंगे अगर इनको जमहूरियत इस तरह नोची गई और खींची गई इनसे और इनके हाथों से। एक दफा लोग मोबिलाइज हुए हैं, जाके उन्होंने वोट डाला, किसी को डाल दिया है। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसाफ के हक में बात करें, आप मैं कह रहा हूँ फॉर्म 45 आप मंगाएं, कैंडिडेट्स को दावत दें कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए, 20-30 हलकों का तो कम से कम इसमें ही हो जाएगा तय, उसके बाद आप बाकियों के नोटिफिकेशन कर ले, चाहे जो नहीं ले लेके आ सकता वो जाए ट्रिब्यूनल के सामने। लेकिन एहतजाज साहब आपको लगता है वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन, तो वो बता रहे हैं कि उनकी 180 सीट्स ही उनको कम मिली हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का? ग्रीन सिग्नल तो देना है ये निगरानों ने भी नहीं देना, आइंदा हुकूमत ने भी नहीं देना, ये तो जो इनके सरप्रस्त बैठे हुए उन्होंने देना है, और वो अगर नहीं देंगे तो बहुत ज्यादती करेंगे, बहुत पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन तो होता ही मैंडेट लेने के लिए, किसको मैंडेट मिला है। नहीं, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कर लें, क्योंकि अभी तो ज़्यादा चीज़ें थिंग्स आर नॉट क्लियर येट, तो अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि उनको मैंडेट जो मिला है वो अपोजिशन का मैंडेट था, वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो मिलके हुकूमत बना लेती हैं, तो आप इस हुकूमत को कैसे देख रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या ये हुकूमत 5 साल के लिए चलने के लिए आएगी? नहीं, ये तो जो हुकूमत बनाएगा उसकी बड़ी ही उसको डिसएडवांटेज होगा, उसकी तो सियासत इस वक्त बड़ी मुश्किल होगी करनी, ये तो खबर नहीं इनको क्या ज़रूरत है किसी को भी
हुकूमत खींच के लेने की किसी भी दिन दोनों फ्री कैन में से किसी को भी, पर अगर मैंडेट किसी का बनता है तो बनने दो, नवाज शरीफ का बनने दो, पीपल्स पार्टी का बनने दो, पीटीआई का बनने दो, वो जो निकले जो सही डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं आपके सामने आ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने तो एक जुल्म किया जो निशान ले लिया, एक पार्टी से आपने निशान भी ले लिया, उसके लीडर को अंदर भी डाल दिया, उसको सजाएं भी पै दर पै 30 साल सजाएं कर दी, आप और क्या मांगते हैं उससे? और वो फिर लड़ रहा है, मैं इसलिए उसके हक में ये बात करता हूँ, और फिर वो लड़ रहा है और फिर वो अब फेयर ट्रीटमेंट तो मांगता है। लेकिन जाहिर है जो मैजिक नंबर उसको उनको चाहिए उस जमात को, उसके लिए ये ज़राए की खबर है कि बहुत सारी जमातों ने, बड़ी जमातों ने कोशिश की कि उन साहब से जो इस पार्टी को लीड करते हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ा है, उनसे बातचीत करें, लेकिन वो साहब बात करने को तैयार ही नहीं है। उनका तो तर्ज़े गुफ्तगु ही मुख्तलिफ हो गया है इलेक्शंस के बाद। हाँ, इतना बड़ा मैंडेट अगर उसको मिला, वो तो इतनी जितनी ये तस्लीम कर रहे हैं गवर्नमेंट कि उसको 93 या 94 सीटें मिल गई हैं, यही एक आदमी के लिए जो जेल में पड़ा है, जिसको आपने जलील किया है, और उसके हक में जितना आप उसको जलील करने की कोशिश करते रहे उतने उसको वोट मिले। आप समझते ही नहीं है, ये मुल्क कंट्री इज एट स्टेक। आप अपना एक वेंडेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लंदन से भी आप आ गए, आप वहाँ मफरूर रहे हैं, यहाँ आपको प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया जा रहा है, और कमाल है एक लेकिन एतज़ाज़ साहब, अगर उनके लिए स्टेज इतना सेट होता, अगर उनको इतना ही वार्म वेलकम जैसे कि आप कह रहे हैं कि किया होता, सारा कुछ मामला पहले से तय होते, तो नून लीग के पास ज़्यादा सीट्स ना होती। ओ नहीं नहीं, नून लीग के पास तो 20 नहीं आनी चाहिए थी उनको, लेजिटिमेटली मिलती। मैंने जो देखा लाहौर का मिजाज, नहीं आप एक आप जगह झंडा इनका कहीं झंडा, लेजिटिमेटली नून लीग की 20 सीट्स भी नहीं बनती थी, नहीं इतनी खराब कारकर्दगी रही है क्या नून लीग की? नून लीग तो कह रही है उनके साथ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको अभी लाहौर, ये 8 तारीख से पहले का लाहौर चले जाए, कहीं इनके बैनर लगे हों, कहीं इनकी फ्लेक्सेस लगी हों, कहीं इनके बिलबोर्ड लगे हों, कहाँ लगे हैं? इलेक्शन हो गया है, नवाज शरीफ थ्राइस प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ तो बिलबोर्ड की और बैनर्स की का साया हो जाता था लाहौर शहर पे हर और ये मुस्लिम लीग के सबसे ज़्यादा होते थे, मालदार भी ये सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते थे, और इनके तो फ्लेक्सेस एकदम हर तरफ। और ये स्ट्रीट पावर ना शो करने का जो नून लीग का लाए अमल था, ये आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं, क्यों नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने ये सब कुछ? वो साथ है ही कोई नहीं उनके, ही हैज टू फेस द रियलिटी, नवाज शरीफ हैज टू फेस द रियलिटी, क्या अब नहीं है भाई? 3 दफा लोग कहते हैं आपको लाए, आपने हमारा क्या भला किया? ठीक है ऐसा सर, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं समझती हूँ सवाल बड़ा ज़रूरी आपसे करना। हमारे मुल्क में कोई भी आता है, टीवी पर बैठता है, सोशल मीडिया पर बैठता है, इल्ज़ाम लगाता है, सबूत दिए बगैर चला जाता है, और फिर उसका कुछ नहीं बनता है। आपने कमिश्नर पिंडी की गुफ्तगू की, हमने उस पर बातचीत की, वो देखी, कोई सबूत सामने नहीं आया। उससे पहले हम जब बशीर मेमन ने इल्ज़ाम लगाए थे, उसका भी कुछ नहीं निकला है, और भी ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बात की, आपकी नज़र से गुजरी होगी, उन्होंने दो साबिक जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया, और फिर उसमें एक यूटर्न भी ले लिया, छोटा हल्का पुल्का सा, एक साहब का नाम निकाल दिया कि वो निकल गया था, और वो भी बगैर सबूत के। ये जो इल्ज़ाम की सियासत है, और जो टाइमिंग है राइट आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, ये कितनी क्रूशल है, ये होना चाहिए? ये मैं आपको बताऊँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने भी, फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने भी यही दलील ली कि सबूत के बगैर आप हमारे पास आगे आ जाते हैं, और सबूत को जाते नहीं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। देखें, दो किस्म की के बयानात होते हैं। एक बयान है कि मैं बयान देता हूँ कि मैं काउंटिंग जहाँ हो रही थी, जिस कमरे में, उसकी खिड़की में बाहर से देख रहा था, झांक रहा था, और अलिफ बे जीम दाल ये 4 बंदे ठप्पे लगा रहे थे और डब्बे भर रहे थे। अब मैं ये बयान किसी के
को ये सिर्फ इतना बयान किसी के फायदे में नहीं हो सकता, और ये है जस्ट अ स्टेटमेंट। बट यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ कन्फेशन है, यहाँ इकबाली बयान है। एक बंदा कहता है मैंने भी ये जुर्म किया है, वो ये नहीं कह रहा कि वो चार बंदों ने कत्ल किया, वो कहता है मैं भी कातिल हूं। देर इज ए रिंग ऑफ ट्रूथ इन दिस। अब अगर जो अपनी गर्दन भी उस न्यूज में देना चाहता है और साथ देता है और साथ कहता है ये भी चार थे, उसके बारे में लॉ कहता है, एविडेंस एक्ट कहता है, ज़ाब्ता फौजदारी में अलहदा प्रोविजन है ऑन कन्फेशन। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो एक सबूत है, वो प्राइमा फेसा ही एक सबूत है। वो जो सात मुल्ज़िम है जिनको वो मुलव्वस कर रहा है, ये उनको उन पे बार होगा कि वो उसको झुठलाए। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने वक्त निकाला, बिल्कुल इल्ज़ाम लगते हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए, और सबूत नहीं है तो फिर इल्ज़ाम का भी कोई फायदा नहीं है, वो इल्ज़ाम ही रहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमें ज्वाइन किया है मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने, बहुत शुक्रिया मैडम आपने वक्त निकाला। आप जो इलेक्शन हारी हैं, ये आप हारी हैं, हराई गई हैं, क्या सूरत हाल क्या हुई? जी मैं इलेक्शन तो जीती हूँ। अच्छा। मगर फॉर्म 47 में किसी और को नवाजा गया है इस हलके की कामयाबी से, मगर वोटों ने तो मुझे जिताया है, तो हमारा मानना भी यही है। और जहां तक सबूत की बात है वो हम अवाम की अदालत में पेश कर चुके और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुनवाई जल्द होगी। सही है, लेकिन आपके भाई जैद वो जीत गए, आप हार गई, वहां पर भी धांधली हुई थी? जी जी, देखिए असल में इस इलेक्शन में जो हुआ है उसमें है बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। उनकी जो लीड थी मेरे भाई की, वो 50,000 वोट की लीड से जीते हैं, मगर हमारा मानना है कि उनकी लीड जो है वो 80,000 से ऊपर थी। और अब हम ये बात करते नहीं है क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, मगर जहां तक हमें बताया गया है कि 30,000 से ज्यादा बैलेट पेपर जलाया गया, मगर फिर भी आरओ साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो 50,000 की लीड को किधर गुम करे, तो मजबूरन उन्हें ये रिजल्ट देना पड़ा। जहां तक मेरे हलके का सवाल है, आपके सामने है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के बीच में जो अगर वो जीत गए तो फिर 80,000 की लीड क्या और 50,000 की लीड क्या? एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर, मगर मैं इसी बात पर आ रही हूँ। जब आप मेरे हलके एनए 151 में आते हैं या बैरिस्टर तैमूर मलिक के हलके में जाते हैं या पीपी 218 जो मुल्तान का प्रोविंशियल हलका है उसमें जाते हैं, आप वहां पे देखते हैं कि फॉर्म 45 और 47 के बीच में बहुत बड़ा तजाद है। मेरे हलके में 16,500 वोट रिजेक्ट हुआ है, तैमूर मलिक साहब के हलके में 12,000 वोट रिजेक्ट हुआ है, पीपी 218 जो जहूर भुट्टा साहब का हलका है वहां पे 13,000 वोट एक एमपीए की सीट पर रिजेक्ट हुआ है। और ये जो रिजेक्टेड वोट है ये फॉर्म 45 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फॉर्म 45 में जो नंबर है वो एवरेज, जिस तरह आपको बाकी हलकों में भी मिलेंगे रिजेक्टेड वोट, उसी तरह है। फॉर्म 47 पर किसी तरह हमारी लीड को खत्म करने के लिए उन्होंने रिजेक्ट किए ज्यादा वोट। मगर इसमें सबसे दिलचस्प नुकता ये है कि अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ें या इलेक्शन रूल्स पढ़ें तो आरओ साहब को ये इख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो मजीद वोट रिजेक्ट कर सकें। सिर्फ और सिर्फ उनके पास फॉर्म 45 आते हैं, उसको वोट ऐड करते हैं और फिर उसको कंसोलिडेट करके रिजल्ट जारी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो रिजेक्टेड वोट फॉर्म 45 पे लिखा है वो उसका बैग खोल के चेक कर सकते हैं। ये बात आपने बता दी है, लेकिन ये मेरे लिए हैरत की बात है कि जहां से आप लोग हारे वो रिग्ड है, जहां से जीत गए वहां से लीड कम थी लेकिन हम जीत गए। आप जो ये बात कर रही हैं कि ये मैनेज हुआ है थ्रू आरओस, ये मैनेज, देखिए आरओस देखिए मैडम, हम बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने किए हैं। अब आपके सामने रावलपिंडी के कमिश्नर साहब का एतराफ है लेकिन जी हमने लोगों को जी एविडेंस, आप अभी एतजाज अहसन साहब जो कि माहिरे कानून है, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो यही कह रहे हैं कि एक कन्फेशन एविडेंस होता है। अगर कन्फेशन एविडेंस नहीं है तो मुझे बताइए ये जो
इस तरह के केसेस चले हैं पिछले कुछ हफ्तों में खान साहब के खिलाफ, मेरे वालिद के खिलाफ, उसमें एविडेंस क्या था? गवाहियां ही थी ना, तो गवाहियों की बिना पर उन्हें सजा दी, और यहाँ पे आप गवाही को मान नहीं रहे कि वो शवाहिद है, तो इस तरह दोहरा मयार तो नहीं हो सकता। अगर एक बंदा की बात कर रहे हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं, इलेक्शन वाले दिन के बाद जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया टॉक है, वो डिफरेंट है, उस पर वो मुतमईन नजर आते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती मामले की, ये तो कहीं से नहीं कहा जा सकता कि ये साहब जो कहकर गए हैं ये बिल्कुल सच है। और फिर हमने देखा कि कल आरोज ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन साहब ने झूठ बोला है, ऐसा कोई मामला था नहीं। जी, वो बहुत बहुत मुतमईन लग रहे थे आरोज, डरे हुए सहमे में बैठे हुए थे, पर ठीक है। अगर एक मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो डरे हुए सहमे हुए थे। इन माई ओपिनियन आई कैन ऑल्सो सी, जब आप किसी को मिलते हैं, आपको भी देखते हैं कि ये खुश है या डरा हुआ है या इस वक्त बहुत मुतमईन है, तो मेरे मानने में वो जरा सहमे हुए लग रहे थे, वो इतने मुतमईन नहीं थे उन बातों से जो कर रहे थे। मगर ठीक है, हम तो कह रहे हैं आप फिर इंक्वायरी कर लें, एक जुडिशियल कमीशन बिठाएं और इंक्वायरी कीजिए। मगर जहां पर हमारे हलकों का सवाल है, हमने इल्जाम नहीं लगाया है, हमने आपके सामने फॉर्म 45 पेश किए हैं। अब चाहे वो आरओ ने किए हो, कमिश्नर ने किए हो, किसी परिंदे ने किए हो, किसी भूत ने किए हो, वो तो देख लेंगे, मगर फॉर्म 45 एक वाज़े कहानी बयान कर रहा है। फॉर्म 45 पर जो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप कह रही हैं कि रिग्ड इलेक्शंस हैं, धांधली हुई है, हम इसको एक साइड पर रख देंगे। एक सेकंड मैडम, मैं ये नहीं कह रही कि रिग्ड इलेक्शन है, मैं कह रही हूँ कि ये हाईजैक हुए हैं इलेक्शन, रिग नहीं है, डाका डला है, रिगिंग तो होती रहती है। आपके नजदीक डाका डला है, जाते हैं आपके नजदीक डाका डला है, बैलेट बॉक्सेस को भरा गया है, इलेक्शन नतीज रोके गए, उसके बावजूद मिसाल सामने मौजूद है। केपी के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अच्छी खासी तादाद में सीट्स निकाल लेती है, वहां पर भी जमाते गरी के इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और केपी में जो है तो, वो पीटीए ने किए हैं। देखिए, तो जो जमाते कह रही हैं, तो वो अगर फॉर्म 45 लेकर आते हैं सामने, हमारा तो यही मौकफ है, हम उन्हें खोल देंगे, आप आइए फॉर्म 45 लाएं, हम भी लाते हैं। और हम कह भी ये रहे हैं यहाँ पर भी, पंजाब में भी, मैं अपने हलके में भी, मैं तो दावत देती हूँ पीपल्स पार्टी को और उनके जो कैंडिडेट है उन्हें, अपने फॉर्म 45 सामने लेकर आइए। नून लीग वाले जो है, वक्त की कमी मेरे हलके से, मैं चाहूंगी एक सवाल सामने, वो भी ईसीपी में गए हैं। ठीक है, यू हैव टू लेट मी कंप्लीट इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई मस्ट बी एबल टू आंसर इट, टू लास्ट मिनट, सो मैं क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ, आप यू कैन आंसर इट। अब सवाल ये है कि आपकी जमात जो है वो एक्सपर्ट है धरने में, एहतजाज में, अब आप लोगों का लाहे अमल क्या है, क्योंकि 180 सीट्स का आप दावा तो कर रहे हैं कि आपकी बनती थी, मिली नहीं है, अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसका अगेंस्ट आप लोग करने क्या जा रहे हैं? देखिए, हमारा लाहे अमल यही है कि हम कानून में और आईन में यकीन रखते हैं, और इसीलिए हम इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं अंडर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, और हमें उम्मीद है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। हमने शवाहिद पेश कर दिए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इल्जाम तराशी नहीं कर रहे। और जहां तक पार्लियामान का सवाल है, हम अपनी ऑपोजिशन में बैठ के अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जो कि एक ऑपोजिशन का बनता है। मौलाना साहब के साथ बैठ के उनकी सरपरस्ती में करेंगे? जी, ऑपोजिशन में आपको किसी के साथ नहीं बैठना पड़ता, हमारी अपनी एक पहचान है, हम अपनी पहचान लेके बैठेंगे। मौलाना साहब के साथ हमें बैठने की जरूरत नहीं है। नजर आ रहे हैं? नहीं जी, हम मौलाना साहब के साथ सिर्फ एक नुक्ते पर हम उनके साथ, उनका नुक्ता हमारे से मिलता है, और वो भी यही कह रहे हैं कि मुतनाजा इलेक्शन है और इसमें शफाफियत के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फॉर्म 45 की बिना पे रिजल्ट जारी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारा साहब, आपने वक्त निकाला, ये अच्छा नुक्ता है कि जिसे आप माजी में धुतकारते हो, जिनके खिलाफ आप आवाज़ें जलसों में बुलंद करते हो, एक नुक्ते पे आप उनके साथ एक पेज तक आ सकते हैं। बहरहाल, ये सियासत है, सियासत के रंग हैं, और जो इलेक्शन क्योस की सिचुएशन है, ये तभी थम सकती है, रुक सकती है कि जब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर फंक्शनल गवर्नमेंट आ जाए और सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन उस गवर्नमेंट के बनने के बाद भी वो कितना अरसा चलेगी, इस बारे में सवालात अभी से उठना शुरू हो गए। आने वाला कल क्या होगा, ये इस पे तो बात नहीं की जा सकती, मगर गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये अलबत्ता सबके सामने खुल के आ गया है। अल्लाह हाफिज़।